हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो आप लोग को बेसब्री से इंतजार होगा एसएससी जीडी एडमिट कार्ड स्टेटस, एडमिट कार्ड डाउनलोड। तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो हम समय को बर्बाद न करते हुए अपनी वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसा कि मैंने अपने फ़ोन में ऑलरेडी क्रोम ब्राउजर ओपन करके रखा था। और आपको सर्च टैब पे जाके सिंपली डेली रिजल्ट सर्च करना है। आप जैसे डेली रिजल्ट सर्च करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आ जाएगा https://dailyresult.info करके, और यहाँ पे ब्लू कलर में कैपिटल लेटर में आपको डेली रिजल्ट दिखेगा लिखा हुआ। तो इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करके ओपन करोगे तो आप देख पाओगे कुछ ही देर में डेली रिजल्ट के होम पेज पे आप पहुंच जाओगे। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे जाना है, और नीचे आपको चले जाना है। तो और भी थोड़ा सा जब नीचे आओगे तो यहाँ पे आ जाओगे आप एडमिट कार्ड सेक्शन में। यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा एडमिट कार्ड, और मैंने आपको दिखा भी दिया। और अभी सेकेंड नंबर पे आपको विजिबल हो रहा होगा क्लियरली एसएससी जीडी एडमिट कार्ड स्टेटस 2024। अगर आप देर से आते हो तो थर्ड नंबर पे चला जाएगा, तो उससे कोई टेंशन की बात नहीं है। आप उस लिंक पे सिंपली क्लिक करके आप जा सकते हो, जहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल पोस्ट के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दी हुई हैं। अब हम देखेंगे राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, नॉर्थ रीजन का जो अवेलेबल सुने मतलब आने वाला है। जम्मू कश्मीर का आ चुका है, बिहार का आ चुका है, उत्तर प्रदेश का आ चुका है, सेंट्रल रीजन का। तो इसको यहाँ पे अवेलेबल दिख रहा है और क्लिक किया दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं क्या क्या डिटेल्स मांगी जाती है हमसे, आगे का प्रोसेस क्या है। यहाँ पे वेरीफाई करेगा ये साइट्स। ऐसा कुछ कुछ देर तक वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाइंग यूअर ह्यूमन कैप्चा की तरह। और ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, और ये आपको लिखे आ जाएगा स्टाफ सिलेक्शन एसएससी के साइट पर। और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आप रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और ये एग्जाम सिटी जो आपने डाल रखा है वो आप डालकर चेक कर पाओगे, सर्च कर पाओगे। तो आपको आपका क्या कहते हैं सेंटर कहाँ पे पड़ा है, टाइमिंग, डेट सारा चीज शो कर देगा। और नहीं तो आप अगर आप रोल नंबर भी डाल के चेक कर सकते हो। आप रजिस्ट्रेशन आईडी में जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने नाम, फादर्स नेम जो भी डिटेल्स डाला है, एस स्पेलिंग विद स्पेलिंग, आप यहाँ पे डाल के भी चेक कर सकते हो सर्च के बटन पे टैप करके। और एक चीज हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, ये लिखा है डियर कैंडिडेट्स प्लीज डू नॉट मल्टीपल डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। आपको मल्टीपल एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करना है। इन केस ऑफ मल्टीपल डाउनलोड ऑफ डुप्लीकेट एडमिट कार्ड, अगर आप मल्टीपल एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो इस केस में एसएससी में यू ब्लॉक योर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फर्दर। उस समय आपका एसएससी जो साइट है वो आपका जो डाउनलोड करने की स्टेप है वो ब्लॉक कर सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना कि आप एक बार ही दो बार ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और फिर वो भुलाए ना, ऐसा डिलीट ना हो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और हमने इस वीडियो में जाना कि हम कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होकर रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम सिटी, वेरीफाई ह्यूमन डाल के, और यहाँ पे आप सर्च टैब पर क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड का स्टेटस सर्च कर सकते हो। तो ऐसे ही नई अपडेट्स जानने के लिए, जल्द से जल्द जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, बने रहे। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। तो थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू गाइज़।